YZ plane divides the line segment formed by joining these two points. Two points are given, okay? भाई मैं फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां पे फिगर बना रहा हूं मैं गाइस, यहां पे क्या है, देयर आर टू पॉइंट्स। देखो मैं पॉइंट लेना, पॉइंट ए, एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, फर्स्ट पॉइंट जो भी गिवन है, पॉइंट इज गिवन, क्या पॉइंट है, माइनस टू कॉमा फोर कॉमा सेवन, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, बेटा प्लीज स्टॉप टॉकिंग, थ्री कॉमा माइनस फाइव कॉमा एट, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि हमारे पास प्लेन है, प्लेन कैसा गाइस, देखो प्लेन कैसा था, पेपर किधर है, ये मैंने प्लेन ले लिया गाइस, दिस इज द प्लेन, ठीक है। अब ये प्लेन, ये जो प्लेन है एक तरह से पेपर है, ठीक है, और ये एक एक लंबी सी स्टिक है, ये इसको क्रॉस कर रहा है, तो जिस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है गाइस, वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट है पी, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो इन विच दिस प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट, हमें नहीं पता रेशियो क्या है, तो बेटा हम क्या मान लेंगे, हम इसे केस टू वन मान लेंगे, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो बेटा ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी क्या है, इस लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक बोल रहा हूं, पॉइंट पी क्या है, वो पॉइंट है जहां पे एक प्लेन जो कि पेपर है और एक पतली सी स्टिक है ना, जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट पी है, ठीक है। तो बेटा हमें पॉइंट पी कैसे निकालेंगे, हमने रेशियो ले लिया पहले केस टू वन, बेटा बोर्ड पे ध्यान दो, हमने रेशियो ले लिया केस टू वन, नाउ ट्राई टू फाइंड पॉइंट पी, बेसिकली यहां पे पॉइंट पी ही तो डिवाइड कर रहे हैं, ए बी को किस रेशियो में, केस टू वन, आपने रेशियो ले लिया गाइस, रेशियो इज लेट द केस टू वन, ठीक है। तो पॉइंट पी निकालेंगे के और वन के टर्म में, देखना भाई, के इधर मल्टीप्लाई होगा और वन इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, थ्री के प्लस वन इंटू माइनस टू डिवाइडेड बाई के प्लस वन गाइस, कॉमा, ध्यान देंगे सब लोग, आगे क्या है, फिर के इंटू माइनस फाइव क्या हो गया, माइनस फाइव के प्लस वन इंटू फोर फोर बाई के प्लस वन, कॉमा, आगे क्या आएगा, के इंटू एट विच इज एट के, वन इंटू सेवन विच इज सेवन बाय के प्लस वन, ठीक है, ये पॉइंट पी आ गया। अब ध्यान से सुनना, मैंने एक एक पॉइंट लिखवाया था गाइस, एनी पॉइंट लाइंग ऑन, अंशु बताएगी, अंशु बेटा एनी पॉइंट लाइंग ऑन, ये कौन सा प्लेन है, ये है वाई जेड प्लेन, तो ऐसा कोई भी पॉइंट जो कि वाई जेड प्लेन पे पड़ा हो, वाई जेड प्लेन पे अगर पॉइंट पड़ा है तो उसका गारंटी के साथ एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो हमने ये पॉइंट पी निकाल लिया, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो जीरो होना चाहिए, एज इट इज लाइंग ऑन, एज पी लाइज ऑन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन पे क्या होगा, एस एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी जीरो। तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे देखो भाई, एक्स कोऑर्डिनेट देख सकते हो आप, थ्री के माइनस टू बाई के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा, ये पूरा मूव कर देंगे इधर, क्या हुआ, थ्री के माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो यहां से के क्या आएगा गाइस, थ्री के इक्वल टू टू, तो यहां से के क्या आएगा, टू इज टू थ्री, ठीक है गाइस। तो क्या है, फाइंड द रेशियो था, रेशियो इज नथिंग बट टू इज टू थ्री, बेसिकली वाई जेड प्लेन इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट इन द रेशियो टू इज टू थ्री इंटरनली, आंसर क्या है, टू इज टू थ्री इंटरनली, ठीक है गाइस, कोई डाउट है किसी को, क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, ओके बेटा अगला क्वेश्चन था, यूजिंग सेक्शन फॉर्मुला प्रूव दैट थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या है गाइस, यूजिंग सेक्शन फॉर्मुला प्रूव दैट थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसमें से क्वेश्चन नंबर फोर की ट्राई टू सी, क्वेश्चन नंबर फोर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बट गाइस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस, ये वाला क्वेश्चन है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मुला सो दैट दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मतलब ये हमें ये प्रूफ करना है कि तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, तो देखना भाई, अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो क्या होगा, इफ ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, ठीक है, कहीं भी ए बी सी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ये ले लिया ए है टू कॉमा माइनस थ्री कॉमा फोर, गाइस बी देखा माइनस वन कॉमा टू कॉमा वन,
सीधे लिखा गाइस 0, 1/3, 2। देखो भाई यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि कोलिनियर है, तो हमने पहले ही मान लिया अगर कोलिनियर है तो क्या होगा कि बी विल डिवाइड ए सी इन सम रेशियो। अगर कोलिनियर होगा तो ऑब्वियसली बात है बी जो है लाइन सेगमेंट ए बी को ए सी को डिवाइड करेगा किसी रेशियो में। अगर कोलिनियर नहीं होता, ध्यान से सुनना, मान लो ये ए सी है और पॉइंट बी है, तो हम इस केस में नहीं बोल सकते कि बी इज डिवाइडिंग ए सी इन द रेशियो केस हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे, एज्यूमिंग बी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए सी इन द रेशियो केस टू वन, ठीक है गाइस। अब क्या करोगे आप, के एस टू वन, के के टर्म में कौन सा पॉइंट निकालेंगे, सी निकाल बी निकालेंगे, ठीक है। हमने मान लिया जो बी बीच में एक बी पॉइंट है, हमने मान लिया वो इसे के एस टू वन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो गाइस आपको बी निकालना है, सबको पता है बी कैसे निकालते हैं, दिस इज के दिस इज वन। क्या करना है, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। तो के को मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, कौन सा पॉइंट निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बी निकाल रहे हैं, ठीक है। बी कैसे निकालेंगे, के इंटू सी वाला, तो के इंटू जीरो प्लस वन इंटू टू बाय के प्लस वन, ठीक है भाई। बेटा ये कलर दिख रहा है, नेक्स्ट इज के इंटू 1/3 प्लस 1 into -3। बेटा ये चैप्टर ना बहुत इजी है, लेकिन मैंने फिर भी देखा है बच्चे ना पेपर में कई बार गलत करके आते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो पेपर में जनरली पूछ लिया जाता है। फिर जेड कोऑर्डिनेट लेंगे गाइस, के इंटू क्या होगा, 2 होगा, तो 2 के आ गया प्लस 1 into 4 आ गया बाय के प्लस 1, ठीक है गाइस। तो ये पॉइंट आ गया आपका बी, क्या है 2 by k+1 कॉमा k/3 - 3 by k+1 कॉमा 2k+4 by k+1, ठीक है गाइस। अब हुआ क्या, हमें बी पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, व्हाट इज दैट, -1, 2, 1, ठीक है। अब होता क्या है गाइस, देखना जरा ध्यान से, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे आप क्या करोगे, पहले तो कंपेयर कर दोगे, 2 by k+1 = -1, दूसरा है k/3 - 3 / k+1 = 2, तीसरा है 2k+4 by k+1 = 1। अगर ये कोलिनियर होगा तो तीनों से k की वैल्यू सेम आएगी, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अगर तीनों से सेम नहीं आती, अगर तीनों से किसी दो से भी दो से सेम आता, एक से डिफरेंट आता, तो वो कोलिनियर नहीं होता, तीनों से सेम आएगा मतलब वो कोलिनियर है, ठीक है। तो गाइस सॉल्व करेंगे, 2 = -k - 1, जस्ट सॉल्व इट, k को इधर ले आओ, -1 - 2 k आ गया -3, ठीक है गाइस। ऐसे ही आप यहां भी सॉल्व कर लेंगे, देखो एलसीएम के लेने का जरूरत नहीं है फिलहाल, k/3 - 3 = 2 of k+1 जस्ट सॉल्व इट, ठीक है। क्या आएगा k/3 - 3 = 2k+2, ठीक है। देख रहा भाई -3 - 2 2k - k/3, ठीक है। ये आ गया -5, ये आ गया 6k - k/3। बेटा आपस में बातें मत करो, और ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना, मैं उनको कल से अलग बैठाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं दोस्तों को जुदा नहीं करना चाहता, लेकिन बच्चे ऐसे काम करते हैं कि जुदा करना पड़ता है, नहीं तो दोस्ती किसे प्यारी नहीं है भाई, ठीक है। सो k = -3, ओके। सिमिलरली आप यहां से भी देखो, अगर तीनों में से एक में भी अलग आ गया ना, तो ये कोलिनियर नहीं होगा, ध्यान रखना। सो 2k+4 = k+1, k को ले आएंगे गाइस 2k - k = 1 - 4, क्या आ गया k = -3, ठीक है, ठीक है। दिस मींस कि पॉइंट बीच में कौन सा पॉइंट डाला था, हमने पॉइंट डाला था बी, है ना। दिस मींस पॉइंट बी डिवाइड्स ए सी गाइस, बातें नहीं, ए सी इन द रेशियो केस टू वन, केस टू वन मतलब 3:1 गाइस, या -3 मतलब 3:1 नेगेटिव का, तो आप लिखोगे 3:1 बट एक्सटर्नली, दैट मींस जो बी पॉइंट है वो भी लाइन के ऊपर ही पड़ा है बट ए सी के बाहर पड़ा है,
है ना, ये सिखाया था ना। हाँ, अगर ये ए है और ये सी है, दिस इज ए दिस इज सी, तो ए सी प्रोड्यूस पे होगा कहीं, इसके ऊपर होगा या इसके ऊपर होगा, मतलब है तो लाइन के ऊपर ही ना। सो हेंस ए बी सी आर कोलिन। ठीक है, ओके, किसी को कोई डाउट है तो बता दो, क्लियर है? मिसलेनियस के क्वेश्चन करें, आई थिंक थर्ड एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल। ठीक है, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 9 गाइस, ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 9 बुक खोले, एग्जाम्पल नंबर 9 बेटा। अगर आप 11th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो एक एक क्वेश्चन करना है, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, इंक्लूडिंग मिसलेनियस। इनफैक्ट एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस, ध्यान रखना। अगर आप पेपर उठा के देखिए ना, आपका 40% क्वेश्चन वेरीज होते हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, क्योंकि वहां पे अच्छे क्वेश्चन है गाइस। देखेंगे गाइस, एग्जाम्पल नंबर 9 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट, मैं बताता हूँ उसको, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हूज वर्टिसेस आर, ध्यान से सुनना, यू हैव टू फाइंड सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, लेट्स से ट्राइंगल एबीसी। गाइस मैं यहां लिख देता हूं एबीसी क्या है, देखना भाई सब लोग, ये ए है, ये बी है, ए सी है। मान लो ए गिवन है, ए गिवन है एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड, ठीक है, क्या है एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड, बी है गाइस एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड, थ्री कॉमा वाई थ्री कॉमा जेड, ठीक है, तो हमें निकालना है सेंट्रॉइड। पहले तो सेंट्रॉइड होता क्या है, ठीक है गाइस, देयर आर सम ज्योमेट्रिकल सेंटर्स, मतलब ज्योमेट्री में कुछ सेंटर्स होते हैं, जैसे कि आपने सबसे पहला, और यहाँ पे और भी बहुत सारे सेंटर होते हैं यहाँ पे ट्राइंगल में, एक पहला सेंटर है सेंट्रॉइड, इसके अलावा और भी सेंटर होते हैं, सर्कम सेंटर, एक होता है इन सेंटर, एक होता है एक सेंटर, एक होता है ऑर्थो सेंटर, बट आपको वो सब नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ सेंट्रॉइड पढ़ना है, ठीक है। अब सेंट्रॉइड क्या होता है सुनना बेटा, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन लिख रहा हूं, सेंट्रॉइड इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। पहले तो इसे याद कर लो कि सेंट्रॉइड होता क्या है, सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल के सारे मीडियंस को ड्रॉ करो और वो सारे के सारे मीडियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, गारंटी है, उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। तो देखो जरा, देखो मीडियन क्या होता है, पहले तो मीडियन समझेंगे कि मीडियन होता क्या है गाइस। अगर मुझे मीडियन ड्रॉ करना है तो मीडियन इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। जब भी मैं मीडियन ड्रॉ करूंगा, देखो मैंने स्टार्ट किया पहले यहां से ड्रॉ करना, वर्टेक्स से ही ड्रॉ करेंगे, ये वो लाइन है जो कि वर्टेक्स से स्टार्ट किया, ए से, विच विल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, मतलब विच विल डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं गाइस, ध्यान देने रहा, इक्वल पार्ट्स मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब सामने वाले साइड को मिड पॉइंट पे जाके मीट करेगा, सिंपल सी बात है ना। ऐसे आप बी से ड्रॉ करो, ऐसे आप सी से ड्रॉ करो, ठीक है। लेट्स से ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है, आज मुझे पता नहीं मेरा पेन क्यों नहीं काम कर रहा। ओके गाइस, ध्यान देना रहा, सो बी से इस वाले पॉइंट को मिला दो, ठीक है, उसके बाद इस सी पॉइंट से, ठीक है, सामने वाले मिड पॉइंट को मिला दो, गारंटी के साथ, पता है बेटा ये तो रूल है, ठीक है, कि एक ही, और ये जो पॉइंट है गाइस, जो बीच में एक पॉइंट आया जहां पे तीनों लाइन मीट कर रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रॉइड, क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। अब सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये 9th है गाइस, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज नोन एज सेंट्रॉइड, ओके, सो दिस पॉइंट इज नोन एज, सो गाइस ये जो पॉइंट है बीच वाला पर्पल कलर वाला, ये आपका सेंट्रॉइड है, ठीक है, दिस इज सेंट्रॉइड, ओके,
ओके अब सेंट्रोइड की गाइस एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है सुनना ध्यान से जरा, सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि ये 2:1 है, ठीक है। वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस और सेंट्रोइड से साइड तक का डिस्टेंस, ये जो होता है 2:1 होता है गाइस। देखो जनरली ना हम सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं, हालांकि जरूरी नहीं कि जी से डिनोट करें, बट जनरली ये इसका स्टैंडर्ड नेम है, जी जी मतलब सेंट्रोइड। तो गाइस यहां पे ये जो लिखा हुआ है ना ए जी, ए जी इज टू जी, यहां पे मान लो डी है ये, तो जी डी एक्चुअली दिस इज 2:1, ठीक है ये। अब आपको सेंट्रोइड निकालना है गाइस, सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे आपको ये सोचना है, ठीक है। तो गाइस मैं बता दूं ये बहुत ही सिंपल है, आप पहले डी निकालोगे, डी व्हाट इज डी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, ठीक बोल रहा हूं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, ये क्वेश्चन था, सॉल्यूशन में लिख रहा हूं यहां पे, डी इज नथिंग बट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो गाइस BC का मिड पॉइंट जब निकालेंगे तो क्या आएगा, सबको पता है X2, ये रहा X2 और यहाँ पे X3 है ना, X2 by X3 by 2 कॉमा Y2 plus Y3 by 2 कॉमा Z2 plus Z3 by 2, ठीक है, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है गाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ध्यान से सुनना, हमें ना ये मिल गया गाइस, क्या मिल गया, ये वाला पॉइंट D मिल गया, ठीक है, ये लिखा हुआ गाइस, ओके okay? अब आपके पास डी भी है, आपके पास ए भी है, तो क्या हम सेक्शन फॉर्मूला ही ला सकते हैं क्या बोलेंगे। देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि आपको ए पता है गाइस, आपको डी पता है गाइस, ठीक है, और आपको ये जी पॉइंट निकालना है पर्पल वाला, ठीक है, ये वाला जी पॉइंट, मैंने इस लाइन को अलग से भाग के रख दिया, ये आपका 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। वी नो द पॉइंट ए विच इज नथिंग बट एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है, वी नो द पॉइंट D, which is nothing but midpoint formula से निकाला है ना हमने, हाँ जी, तो क्या था भाई ये x1 plus x2 by 2, comma, मैं बाकी नहीं लिख रहा, ऊपर लिखा हुआ हमने, लिखा है ना अभी, y1 plus y2 by z1 plus z2 by 2, कुछ लोगों ने तो 10th में भी किया हुआ ये क्वेश्चन, I'm sure, क्या करते हैं गाइज, ये 2 दूर वाले से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 भी दूर वाले से मल्टीप्लाई होगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फाइंड द पॉइंट जी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो गाइस देख रहे हैं जब मैं जी पॉइंट निकालूंगा तो क्या हो, हाँ जी बेटा, ओ सॉरी, यस दे आर राइट, ये क्या है x2 x3, एक्चुअली फिगर गायब कर दिया था ना मैंने, देखो कुछ लोग ध्यान ही नहीं दे रहे यहाँ पे, है ना, जो लोग ध्यान दे रहे हैं वो बोल रहे हैं x2 x3 y2 y3, ठीक है, आगे क्या है z2 z3, ठीक है। तो गाइस ध्यान देंगे जरा सब लोग, आसान सा है जी। तो गाइस इस 2 को पहले सिर्फ लाइक किया करो, 2 into x2 plus x3 by 2 plus 1 को किससे करेंगे, x1 से, डिवाइडेड बाय क्या आएगा गाइस 2 plus 1, जैसे मैंने ये किया है x कोऑर्डिनेट के साथ वैसे ही आप y कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे, ठीक है बेटा, प्लीज समझ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y के साथ करेंगे तो सेम वे। अब y वाला कौन सा गाइस, देखो y वाला यहाँ पे ये है और यहाँ पे y वाला ये है, इनके साथ करेंगे गाइस, तो क्या हुआ ट्वाइस ऑफ y2 प्लस y3 y2 प्लस 1 इंटू y1 बाय 2 प्लस 1 कॉमा सिमिलरली 2 इंटू ठीक है भाई थर्ड पॉइंट जेड कोऑर्डिनेट रहा और वहां से भी आप क्या करेंगे जेड कोऑर्डिनेट उठाएंगे सिंपल हमें फॉर्मूला नहीं रहता हुआ बस फिगर से हम निकाल लेते ठीक है भाई प्लस 1 इंटू जेड वन एक मिनट हाँ जेड टू होगा बेटा वो प्लस 1 इंटू जेड वन बाय 2 प्लस 1 ठीक है गाइस तो क्या हुआ भाई देखना जरा ध्यान से देखना यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया भाई देखो ऊपर क्या बचा है ऊपर x2 plus x3 plus x1
बट बेटर है आप नॉर्मल उसमें लिख दें एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री कॉमा गाइस आगे देखो वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई वन बेटर है वन टू थ्री में लिख देते वाई वन वाई टू वाई थ्री बाई थ्री कॉमा जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बाई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है क्लियर है सबको ओके बेटा क्वेश्चन नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे करेंगे थिंक ओवर इट किसी ने किया है क्या कर लिया आसानी से हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर वन सब लोग ट्राई करेंगे मैं हिंट दे देता हूँ गाइस देखना जरा मैं हिंट दे रहा हूँ भाई सबको अरे बातें नहीं प्लीज बातें नहीं बेटा यहाँ पे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ए गिवन है बी गिवन है सी गिवन है गाइस डी नहीं पता हमें ये नहीं पता हमें ये निकालना है ठीक है तो गाइस होता क्या है हमने डी को मान लिया ए बी सी अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सब लोग गाइस पता है क्या होता है यहाँ पे जो डायगोनल होता है डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की क्या कि जो डायगोनल है गाइस ये जो डायगोनल है दिस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब पहला डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है और दूसरा डायगोनल पहले को बाइसेक्ट कर रहा है ठीक है सुनना भाई तो गाइस ये जो ओ लिखा हुआ है ओ एक्चुअली दिस ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी एज वेल एज ए सी ठीक है आप सीधा लिखोगे कि ओ इक्वल्स टू देखो सिंपल सी बात है ओ इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी दोनों का मिड पॉइंट निकाल के इक्वेट कर देंगे ठीक है सब लोग ट्राई करेंगे अभी जल्दी से फोर्थ अरे ये सबका हो गया भाई किसी को डाउट है तो बोल दो मुझे अभी भी एक्चुअली इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन नथिंग न्यू ठीक है ये हो गया आपका देखो मैं लिख देता हूँ थ्री माइनस वन कॉमा टू बी दे रखा है गाइज वन कॉमा टू कॉमा माइनस फोर सी दे रखा है गाइज आपको माइनस वन कॉमा टू बेटा प्लीज स्टॉप टॉकिंग क्या हुआ यहाँ पे आप लिखोगे ओ इज नथिंग बट मिड पॉइंट ओ जो है ओ मिड पॉइंट है किसका ए सी का साथ में ये मिड पॉइंट है और भी किसी का किसका बी डी का ठीक है तो गाइस कुछ नहीं आपको तो बस यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना है ठीक है एसी का भी मिड पॉइंट निकाल लो एसी का मिड पॉइंट जो भी आएगा थ्री प्लस माइनस वन बाई टू कॉमा माइनस वन प्लस वन बाई टू कॉमा टू प्लस टू बाई टू ठीक लिख रहा हूँ गाइस इक्वल टू मिड पॉइंट यहाँ पे ए प्लस माइनस वन बाई टू कॉमा बी प्लस वन बाई टू कॉमा सी प्लस टू बाई टू ओके ओके नाउ जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर दो और फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर सेकंड वाला सेकंड के बराबर थर्ड वाला थर्ड के बराबर और एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे ठीक बोल रहा हूँ भाई क्लियर है कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को ओके सो दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर टू आपका होमवर्क है मीडियन मैंने मीडियन के बारे में आपको बता दिया है ठीक है ट्राई कर लेना आसान है कुछ नहीं है डिस्टेंस निकालना है लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है मतलब वर्टेक्स से सामने वाले पॉइंट के बीच की दूरी सामने वाला पॉइंट निकाल लोगे मिड पॉइंट से ट्राई करोगे आप लोग गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड जो अभी हमने क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले वो सेंट्रोइड का फॉर्मूला है आप उसे याद भी कर लें दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी का ये फॉर्मूला है प्लीज लर्न इट ठीक है ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है गाइस ठीक है क्लियर है हाँ कोई डाउट तो नहीं है ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेकंड थर्ड आप ट्राई करोगे आगे बढ़ते हैं मैं देखो आपको हिंट इसलिए दे रहा हूं ताकि आप घर पे ट्राई करें तो फंसे ना ठीक है भाई देखो थर्ड क्वेश्चन हो गया ना आगे बेटा क्या लिखा एक पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर भाई एनी पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस अंशु किस तरह का होता बेटा कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर पड़ा हो उसका क्या क्या जीरो होगा वाई एक्सिस पे पड़ा मतलब एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे अगर वाई जेड प्लेन होता तो एक्स जीरो होता है ना यहाँ पे वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है तो एक्स और जेड दोनों जीरो होंगे जेड और वाई रह जाएगा ठीक है तो बेटा पॉइंट को जब हम एज्यूम करेंगे तो पॉइंट कैसा होगा पॉइंट कुछ ऐसा होगा गाइस जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो
ठीक है, 0, y, 0 टाइप का पॉइंट होगा। इस पॉइंट की दूरी इसके साथ कितनी है, 5√2, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, ये सिंपलेस्ट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, बट मैंने बच्चों को मार्क्स लूज करते हुए देखा है कि बच्चे जब सोचते सिंपल है ना तो ज्यादा क्वेश्चन करते ही नहीं, ध्यान नहीं देते। तो गाइज ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। इसकी दूरी इससे कितनी है, मान लो ये पॉइंट ए है। ठीक है गाइस, तो हमें क्या दिया हुआ, हमें एक्चुअली ए से पी का डिस्टेंस दिया हुआ, हमें एक्चुअली ए से पी का डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है गाइस, 5√2। ठीक है, तो कैन यू फाइंड ए पी, भाई ए क्या है, 0, y, 0। जब भी हम ए पी निकालते हैं तो पी माइनस ए करता हूं मैं हमेशा, ए पी पी माइनस ए। वैसे आप ए माइनस पी भी कर सकते हो, बट जो मैं समझा रहा हूं इसका एक रोल होगा आगे भी जाके। ए पी निकालना है तो पी माइनस ए करना, फिजिक्स में भी तुम करते होंगे, वेक्टर में सीखा हुआ है ना। ठीक है, वो हमें वेक्टर चैप्टर 12 में भी पढ़ना है। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा उसका वो वाला पार्ट। हाँ जी, तो एपी, एपी में क्या हुआ, पी माइनस ए, पी माइनस ए मतलब 3 - 0 का होल स्क्वायर। देखना जरा, एक्स कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट किया कैसे, पी में से ए को, फिर वाई कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट करो गाइस, -2 - y का होल स्क्वायर, फिर जेड कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट करो गाइस, 5 - 0 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, 3 का स्क्वायर 9 हो गया गाइस, 5 का स्क्वायर 25 हो गया गाइस। ठीक है, यहां पे क्या हुआ गाइस, यहां पे हां जी मैंने पहले भी बताया, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चे फालतू का दिमाग लाते हैं, मैं बोलता दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, बताया था लास्ट टाइम। तो बेटा यहां पे सीधा सा आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, मतलब बेसिकली आपके लिए 2 + y का होल स्क्वायर यूज मत लो आप। ठीक है, तो क्या हुआ, 2² + y² + 2 × 2 y = 5√2। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर रहे हैं गाइस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट कट गया। ठीक है, वैसे गाइस बोर्ड तो हमारा ये अच्छा है, नहीं व्हाइट बोर्ड से अच्छा है बोर्ड, कलरफुल बोर्ड है ना। क्या करेंगे यहाँ पे, 9 + 4 + y² + 4y + 25 = 5 √2 2, जो भी है। अरे बातें बहुत हो रही है, y² + 4y + 25 + 4 + 9 जो भी है। ठीक है, 38 आ जाएगा गाइस, दिस इज 40, y² + 4y + 38 - 50 = 0, y² + 4y - 12 = 0, जस्ट सॉल्व इट। ठीक है, क्या आएगा, बेटर है 6 × 2 = 6 × 2 = चैंपियन हो आप लोग इसको सॉल्व करने में। ठीक है, कैसे भी सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डालो चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, आपकी मर्जी है। अगर दिक्कत है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डी वाला मेथड। तो वाई की वैल्यू आएगी -6 या फिर वाई की वैल्यू आएगी 2। देयर आर टू वैल्यूज ऑफ वाई, दैट मींस पॉइंट जो है गाइस वो दो तरह का हो सकता है। आप वाई की वैल्यू डाल दो, या तो 0, -6, 0 होगा, या तो 0, 2, 0 होगा। तो दीज आर टू आंसर्स। कोई डाउट है क्या, सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा बेटा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, किसी को 6:30 से किसमें, टीटीएस में था, एमडब्ल्यू में था, एमडब्ल्यू में आई थिंक 6:30 से 7:30 किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, है ना। ठीक है, ओके बेटा, मैं टाइम टेबल बनाने लगे परेशान हो गया हूँ 2 दिन से सबसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि और बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं। हाँ सॉरी, बाकी क्लास का टाइम टेबल मिल जाए, रुक जाओ अभी थोड़ा सा, मैं बस पूछ रहा हूँ, या तो 4 to 5 होगा या 6:30 to 7:30 होगा। और सोचे तेरे को प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर तू पहले आएगा तो यहीं पे बैठ के वाईफाई एक्सेस करके क्लास ले लियो अपनी, और बाद में आएगा तो भी तू ये काम कर सकता है। ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गाइस, ये
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस. यस क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सिंपल, हिंट भी दे दिया इन्होंने यहां पे. बेटा एक काम करो, 5 करो मत, मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको. पी और क्यू के बीच में कहीं पे आर है, ये लिखा है ना, साफ साफ लिखा है आर लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू. मतलब बेसिकली पी क्यू आर आर कोलिनियर है ना, तो पी और क्यू के बीच में कहीं भी आर लिख दो, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट अवेलेबल है. क्या अवेलेबल है, घर पे करेंगे गाइस ये क्वेश्चन. ओके करना सबको है, ये मत सोचना इजी है तो नहीं करना, वही मार खाती हो आप. पी क्यू ठीक है, और यहाँ पे आर हो गया. आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, और आर आप निकाल लेना, आर जो भी आया देखो इन्होंने निकाल भी लिया ठीक है. और फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है कितना कितना है गाइस, 4. मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 4. वहां से आप सीधा सीधा के की वैल्यू निकाल लो ठीक है. बट के तो आ गया, लेकिन हमें फिर क्या निकालना है, पॉइंट आर निकालना है गाइस. तो पॉइंट आर क्या होगा, यही होगा पॉइंट आर ठीक है, उसमें डाल देंगे के की वैल्यू, काम खत्म, पॉइंट आ जाएगा. सब लोग ट्राई करके लाएंगे, फंसता है तो भी मैं डाउट लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सबको क्वेश्चन नंबर 6. मैं अभी हिंट इसलिए दे रहा था कि असाइनमेंट भी दूं तो आप आराम से असाइनमेंट के क्वेश्चन भी कर पाए. क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 6. हो गया, कर लिया भाई. क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं करना, पी पॉइंट हमें नहीं पता, कोई बात नहीं. लेकिन यहां पे क्या लिखा है, जब भी मैंने बोला था कि ऐसा पूछा हो, फाइंड द इक्वेशन. यहाँ पे आपको रिलेशन गिवन है, कौन सा, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ठीक है गाइस. तो गाइस ये क्वेश्चन करना है, आसान सा क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला होमवर्क में करेंगे, सिक्स वाला चाहे तो ट्राई कर सकते हो अभी. तो गाइस देख लीजिए जरा, इफ ए एंड बी बी द पॉइंट्स, ए और बी पॉइंट दे रखे हैं, बी नहीं दे रखा, पी को क्या मान लेंगे, एक्स वाई जेड ठीक है गाइस. तो P है X, Y, Z, ठीक है. आपको दे रखा पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर. के की चिंता मत करना, के क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है, के पहले से क्वेश्चन में लिखा हुआ कॉन्स्टेंट है. अगर आपने एज्यूम किया होता सडनली की के, मैंने के एज्यूम कर लिया तो वो वेरिएबल होता. जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है मतलब वो गिवन है, तो आंसर कैन बी इन टर्म ऑफ ए. क्या करेंगे गाइस, पी ए पी गाइस, ये रहा ए और ये रहा पी. क्या होगा, पी ए ए माइनस पी कर लो या पी माइनस ए कर लो, आपकी मर्जी है. चलो आदत हमने क्या डलवाई है, अगर पी ए निकालो तो ए माइनस पी, कोई बात नहीं. थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फोर माइनस वाई का होल स्क्वायर, फाइव माइनस जेड का होल स्क्वायर. ये रूट होता है गाइस, बट इसका होल स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ऐसे ही पी बी क्या है, पी बी ये रहा पी और ये रहा पी है ना गाइस, आप इसको कर लेंगे. पी बी है तो हम बी माइनस पी करते हैं गाइस, हालांकि आप कैसे भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता. एक्स माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का, चलो मैंने उल्टा ले लिया, गलती से कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है. जेड माइनस माइनस सेवन का होल स्क्वायर, जेड प्लस सेवन का होल स्क्वायर हो गया ठीक है गाइस, होल स्क्वायर है गाइस. तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, इक्वल टू के स्क्वायर. गाइस कुछ नहीं है, आपने एक्सपैंड कर देना, वही आंसर होगा, दैट्स इट ठीक है. आपने सिंपली एक्सपैंड कर देना और कुछ नहीं करना, सबको एक्सपैंड करना आता है गाइस. बेटा ये पूरी एक्सरसाइज ना प्लीज घर पे कर लेना. देखो कई बार बच्चों को भी साथ मैंने देखा है एक प्रॉब्लम, अरे तीनों एक्सरसाइज करनी है, कुछ छोड़ना थोड़ी ना है. हाँ मिसलेनियस और थर्ड एक्सरसाइज के एक ही क्वेश्चन हो जाने चाहिए ठीक है गाइस. मैंने एक चीज देखा है बच्चों में कि बच्चों में गंदी आदत होती है, जो चैप्टर अच्छे से समझ में आता है उसमें प्रैक्टिस कम करते हैं या हल्के में ले लेते हैं. उसमें पता है क्या होता है, बच्चे मार्क्स लूज करते हैं, और वो भी वहां पे जो अच्छे से समझ में आ चुका है ना. तो इजी चैप्टर में तो और मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए. चैप्टर बहुत ईजी है, कोई खास डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है ठीक है गाइस, क्लियर है.
इसको आप सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लाके सॉल्व करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? और बेटा होपफुली मैं आपको कल एक पक्का टाइम टेबल दे दूं. थोड़ा सा फिजिक्स वाले सर का भी कुछ प्रॉब्लम है. हाँ, कंफर्म कर दूंगा मैं एक बार मैसेज पे रात से पहले पहले, ठीक है, या मॉर्निंग में. वैसे वो कंफर्म ही है फिर भी, ठीक है गाइस, एक बार मैसेज आएगा ही आएगा, डोंट वरी. ठीक है गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे.